हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के PBR STT चैनल में। आज हम जो हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, रस को पढ़ेंगे। रस का तात्पर्य होता है सेंटिमेंट। रस का मतलब है आनंद से। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। अर्थात यूं अगर बात की जाए तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। काव्य की आत्मा रस कहलाती है। देखते हैं रस क्या है। तो सर्वप्रथम जो हमारा रस होता है, जो जिस रस की हम बात करते हैं, इस रस के प्रणेता कौन है, इस रस के जन्मदाता कौन है, रस को किसने निकाला था, किस सदी में इसका जन्म हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, इस रस को पहली सदी में नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने किया था। अर्थात यूं बात करें तो रस के जो जन्मदाता हैं वो भरत मुनि कहलाते हैं। और भरत मुनि ने जब अपने इस ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में, जब रस का विवेचन किया, रस को बनाया, तो उन्होंने रस को 8 प्रकार से लिखा। उन्होंने अपने ग्रंथ में 8 रस को स्थान दिया। अपने ग्रंथ में 8 रस को स्थान दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ में जो जिन 8 रसों का विवेचन किया, स्थान दिया, उसमें से जो एक रस को उन्होंने नहीं लिखा, उसमें उन्होंने लिखा था शांत रस। शांत रस को उन्होंने अपने ग्रंथ में कोई स्थान नहीं दिया। क्योंकि जब हम किसी काव्य का विवेचन करते हैं या किसी ग्रंथ का निर्माण करते हैं, तो उसमें शांत रस का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में शांत रस को कोई स्थान नहीं दिया। तो अपने ग्रंथों में उन्होंने 8 रस को ही माना। और रस के जो प्रणेता हो कहलाते हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भरत मुनि कहलाते हैं। तो चलते हैं, रस क्या है, रस के कितने भाव होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा रहती है और आत्मा के माध्यम से ही हम अपने सारे समस्त कार्य को संपादित करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा रस होता है, रस से काव्य की आत्मा कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम काव्य से रस को हटा लें तो हमारा काव्य जो होगा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा के निकलने से हमारी शरीर निर्जीव हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार से काव्य से अगर यदि रस को निकाल लिया जाए, काव्य से यदि रस को हटा लिया जाए, तो काव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो हमें आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, तो और रस के प्रणेता कौन है, भरत मुनि हैं। इन्होंने किस ग्रंथ में रस को किया था, अपने नाट्यशास्त्र में किया था। और किस सदी में किया था, पहली सदी में किया था। अब हम चलते हैं मित्रों, आपको बताते हैं रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं। रस के कौन कौन से अंग हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे जो भी हमारी वीडियोज होंगी, जो भी होगा, आप तक पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं रस के अंग में, रस के कितने अंग हैं। तो रस के जो अंग हैं मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। रस के जो अंग हैं मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं।
कितने अंग माने जाते हैं? चार अंग माने जाते हैं। वो चार अंग कौन कौन से हैं? वो अंग मैं आपको बताता हूं। वो अंग पहला है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। तीसरा है अनुभाव, अनुभाव। और चौथा है संचारी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। रस के जो अंग हैं, जैसा कि मित्रों आप सब देख पा रहे हैं, रस के मुख्य रूप से चार अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो मित्रों आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, तो मुख्य रूप से रस के कितने अंग होते हैं, बहुत ही फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके चार अंग हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में, जैसा कि लेखपाल के एग्ज़ाम में या यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि रस के प्रणेता कौन है, तो रस के प्रणेता भरत मुनि हैं। इसको भी आप लोग नोट करके रखें कि रस के जो प्रणेता माने जाते हैं वो भरत मुनि माने जाते हैं, रस के प्रणेता भरत मुनि हैं। और उन कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों को स्थान दिया है, तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में आठ रस को स्थान दिया है। इसको भी आप लोग नोट करके रखें कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में आठ रसों को स्थान दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। रस के मुख्य रूप से चार अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो हम चलते हैं कि रस का स्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव का मतलब होता है, रस का स्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, प्रधान भाव, प्रधान भाव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान का तात्पर्य क्या होता है, प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रधान का मतलब होता है मुखिया, प्रधान का मतलब क्या होता है, मुखिया। तो अस्थाई भाव का जो होता है वो प्रधान भाव होता है। और ये जो अस्थाई भाव होता है, ये रस में ये शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि जो प्रधान भाव होता है, जो अस्थाई भाव होता है, ये काव्य में ये शुरू से अंत तक अस्थाई रूप से बने रहते हैं, शुरू से अंत तक, अंत तक अस्थाई रूप से बने रहते हैं, अस्थाई रूप से बने रहते हैं। यानी कि जो अस्थाई भाव होते हैं वो प्रधान भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को क्या कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं। और शुरू से लेकर के अंत तक बने रहते हैं, ठीक है। तो हम इनमें से एक एक भावों का वर्णन करेंगे और एक एक भाव का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मित्रों जिन्होंने चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करें, इस हिस्ट्री को शेयर करें, ताकि जो भी आपके मित्र नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, वो वीडियो देखें और इसका बेनिफिट लें। तो चलते हैं, अस्थाई भाव को लिखते हैं। अस्थाई भाव क्या होते हैं? लिखेंगे हम अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है, यहां हम लिखेंगे अस्थाई भाव का अर्थ प्रधान भाव होता है, प्रधान भाव होता है, प्रधान भाव होता है। यह शुरू से अस्थाई, शुरू से अंत तक, अंत तक बना रहता है,
बना रहता है। ठीक है, अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, यह शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है। वैसे अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है, वैसे हम लिखेंगे अस्थाई भाव की संख्या, अस्थाई भाव की संख्या, अस्थाई भाव की संख्या कितनी, अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार, अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार 8 मानी जाती है। किंतु आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार हम लिखेंगे आधुनिक शिक्षाविद के अनुसार, शिक्षाविद के अनुसार आधुनिक शिक्षाविद के अनुसार तो हम बात कर रहे थे अस्थाई भाव की। अस्थाई भाव क्या होते हैं, तो मैंने जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अस्थाई भाव जो होते हैं ओम रस के प्रधान भाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने अपने शास्त्र में जितने रसों को स्थान दिया है, 8 रसों को स्थान दिया है, अर्थात उनके अनुसार जो अस्थाई भाव की संख्या होती है 8 मानी जाती है। परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और रसों की व्युत्पत्ति की, अस्थाई भावों की उत्पत्ति की, इस प्रकार से रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि के अनुसार यदि अगर पूछे कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। परंतु आधुनिक शिक्षाविद के अनुसार जो होते हैं उन्होंने पहले 9 रसों को माना, बाद के और उनके बाद के आचार्यों ने, उनके बाद के आचार्यों ने अस्थाई भाव की संख्या को 11 माना। और जो अस्थाई भाव की संख्या होती है, वो जो 2 अस्थाई भाव को जोड़ा गया है वो वात्सल और विषयक होते हैं भगवत के। तो हम चलते हैं इस प्रकार से, आप आगे देख पा रहे हैं कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। यानी कि रसों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। मित्रों ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला होता है, लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितने रस होते हैं, कितने उनके अस्थाई भाव होते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, पूछा जा रहा है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप बिना सोचे समझे बताएंगे कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 8 होती है। तो अगर पूछ ले कि आधुनिक शिक्षाविद के अनुसार कितने होते हैं अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे आधुनिक शिक्षाविद के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। उनके बाद के आचार्यों ने 2 और अस्थाई भावों की व्युत्पत्ति की, 2 और अस्थाई भावों की खोज की। ठीक है, तो जो 2 अन्य अस्थाई भावों की खोज की वो आपके अस्थाई भाव कहलाते हैं। पहला कहलाता है वात्सल्य और दूसरा कहलाता है भगवत का, यानी कि भक्ति का। ठीक है, तो लेकिन इनका जो मूल अर्थ निकल कर आता है वह श्रृंगार रस से संबंध रखता है। अर्थात इनके अनुसार जो है, जो आपके बाद के आचार्यों ने जितने रसों की खोज की है, वात्सल्य और भक्ति की, इनका संबंध किससे निकल कर आता है, इनका संबंध श्रृंगार रस से निकल कर आता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बातें होती है कि रसों की संख्या कितनी है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है या रसों की संख्या कितनी है, अगर आपका ऑप्शन 9 दिया है तो आप 9 टिक करेंगे, अगर ऑप्शन 11 दिया है तो आप 11 टिक करेंगे। कभी कभी इसमें जो है कन्फ्यूज़न ये आ जाता है कि ऑप्शन में 9 और 11 दोनों दिया है, अब आप इसमें कैसे टिक करेंगे कि 9 और 11 दोनों दिया है, तो हम 9 को टिक करेंगे या 11 को टिक करेंगे, कौन सा हमारा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर 9 और 11 दोनों ऑप्शन दिया जाए तो आप 9 को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बाद के अन्य आचार्यों ने 2 रसों की खोज की थी, वात्सल्य और भक्ति की, इनका संबंध किससे होता है, इनका संबंध श्रृंगार रस से संबंध रखता है। और इन्हीं
रसों को, इन्हीं रसों को जो नौ प्रकार के रस होते हैं, इन्हीं रसों को नौ रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ रस कहा जाता है। इन्हीं रसों को नौ रस कहा जाता है। जो आपके नौ प्रकार के रस हैं, जो आपके नौ प्रकार के रस कह माने जाते हैं, उन्हीं नौ प्रकार के रसों को नौ रस कहा जाता है। परंतु भरत मुनि ने अपने शास्त्र में आठ रसों को स्थान दिया है। बाद के अन्य शिक्षाविदों ने दो अन्य अस्थाई भावों की खोज की। इस प्रकार से रसों की संख्या 11 हो जाती है और उनके अस्थाई भाव 11 हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अब किसी को कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। अब आपके सारे जो डाउट थे क्लियर हो गए कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती, 8 होती है। और रसों अब इस समय आधुनिक में अस्थाई भावों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 9, लेकिन अन्य शिक्षाविदों ने 11 अस्थाई भावों की खोज की थी। और उनका संबंध किससे निकल कर आता है? उनका संबंध श्रृंगार रस से निकल कर आता है। तो इस प्रकार से रसों की संख्या 9 मानी जाती है। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी जाती है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों विभाव की। विभाव क्या होते हैं? विभाव का मतलब होता है जिसका आलंबन पाकर के अस्थाई भाव मन में जगते हैं। अस्थाई भाव जो मन में जगते हैं किसके द्वारा जगते हैं? कभी कभी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि अस्थाई भाव किनके द्वारा मन में जगते हैं, या अस्थाई भाव जगने का मुख्य रूप से कारण क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, अस्थाई भाव जगने का मुख्य रूप से कारण होता है विभाव। हाँ दोस्तों, चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ विभाव की। विभाव क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूँ, विभाव का मतलब होता है कि अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी को देख कर या किसी के प्रति, ठीक है, तो जो हमारे मन में भाव जगते हैं एक दूसरे के प्रति, वो उसके उद्बोधक कारक को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक कड़ी आपको बताई जा रही है, एक एक कड़ी आपको समझाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। विभाव मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से विभाव? दो प्रकार से होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आलंबन विभाव क्या होते हैं। आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर मन में क्या होते हैं? भाव जगते हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं आलंबन विभाव की। आलंबन विभाव क्या होते हैं? आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव मन में जगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। आलंबन विभाव के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से आलंबन के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है आश्रयालंबन, दूसरा होता है विषयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगे। आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगे, आश्रयालंबन कहलाता है। और विषयालंबन का मतलब होता है जिसके प्रति मन में भाव जगे, वो क्या होता है? विषयालंबन होता है। तो मैं बात करता हूँ आलंबन विभाव की। आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, दो अंग होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगे। और विषयालंबन का मतलब होता है जिसके प्रति मन में भाव जगे, जिसके प्रति मन में भाव जगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए,
एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, आश्रयालंबन विषयालंबन की बात की जाए, आलंबन विभाव कितने होते हैं, दो होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगे, और विषयालंबन का मतलब होता है जिसके प्रति मन में भाव जगे। जैसे यदि आपसे बात, जैसे आपको बताया जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो बात की जाए जैसे नायक और नायिका, नायक और नायिका की बात की जाए, नायक और नायिका की बात की जाए, तो नायक और नायिका में जैसे नायक क्या करता है, नायक नायिका को देखता है, नायिका को देखता है तो नायक के मन में भाव जगते हैं, नायिका के नायिका को देखकर नायक के मन में भाव जगते हैं कि इसको हासिल करना चाहिए, इसको पाना चाहिए, ठीक है। तो नायक के मन में भाव जगे। अब विषयालंबन का मतलब होता है जिसके प्रति मन, जिसके कारण मन में भाव जगे, किसके कारण जगा मन में भाव, तो यहाँ पर नायक क्या हो जाएगा आपका, आश्रयालंबन हो जाएगा, और नायिका हो जाएगा विषयालंबन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए कि जैसे कि आप कभी जाते हो, ठीक है, जैसे अगर बात की जाए आप मार्केट की तरफ निकलते हैं और रास्ते में किसी हलवाई की दुकान पर देख करके रुक जाते हैं, जैसे उसके यहाँ किसी प्रकार का कोई मीठा बन रहा है, जैसे अगर बात की जाए, बात करते हैं तो अपनी जो भारतीय मिठाई होती है जलेबी की अगर बात की जाए, जैसे अगर आप मार्केट की तरफ निकले हैं और हलवाई की दुकान में ताज़ी जलेबी बन रही है, तो आपके मन में भाव जग जाता है कि हमें जलेबी को खाना चाहिए, हमें जलेबी को खाना चाहिए, बढ़िया जलेबी बनाता है, ताज़ी जलेबी बन रही है तो जलेबी को खाना चाहिए। तो आपके मन में जो भाव जगा जलेबी के कारण, जो आप यहाँ पर मन में भाव जगा, तो आप कौन, आपके मन में जो भाव जगा वो क्या कहलाएगा, आश्रयालंबन कहलाएगा, और विषयालंबन कौन कहलाएगा, जलेबी कहलाएगी, कि जलेबी के कारण आपके मन में भाव जगा है, अगर जलेबी ना होती तो आपको खाने की इच्छा ना होती। उसी प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर नायिका ना होती तो नायक के मन में भाव उद्दीप्त तो ना होते, भाव ना जगते। तो यहाँ पर जो नायिका को देख करके नायक के मन में भाव जग रहा है। जैसे अगर बात की जाए फिल्मों की बात की जाए, जैसे कोई हीरो हीरोइन को देख करके उसके पीछे पड़ जाता है, उसको हासिल करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तो यदि अगर वो हीरोइन को ना देखता तो उसके पीछे ना पड़ता, उसको पाने की लालसा ना रखता, परंतु वह हीरोइन को देख करके उसको पाने की चेष्टा करता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, जो हीरो होता है वो आश्रयालंबन है, और हीरोइन की अगर बात की जाए तो हीरोइन कहलाती है, हीरोइन आपकी विषयालंबन कहलाती है। तो अगर हम बात करते हैं आलंबन विभाव की, तो आलंबन विभाव का मतलब क्या होता है, आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसके कारण मन में भाव जगे वो क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है। कितने होते हैं, दो होते हैं, आश्रयालंबन विषयालंबन। इस चीज को याद रखना, आश्रयालंबन और विषयालंबन एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको बता सकते हैं, नायक और नायिका। अब बात करते हैं कि आलंबन विभाव के बाद अगर बात की जाए तो उद्दीपन विभाव क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जिन स्थितियों परिस्थितियों को देखकर, जिन स्थितियों और परिस्थितियों को देखकर जो आपके मन में भाव जगते हैं उसे उद्दीप्त भाव कहते हैं। जैसे आप किसी रमणीक स्थल पर जा रहे हैं, जैसे किसी आप उद्यान में जा रहे हैं, किसी आप बगीचे में जा रहे हैं, तो उसको देख करके आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि वाह कितना अच्छा स्थान है, दिल को भा गया, ठीक है। जैसे आप चांदनी रात को देखते हो, चांदनी रात आपको भा जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से जो रमणीक उद्यान होते हैं, जो चांदनी रात होती है, इन सबको एकांत स्थल जो होते हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको एकांत स्थल पसंद होता है, तो एकांत स्थल को देख करके उनके मन में भाव जगता है कि हाँ ये हमारे लायक है, हम यहाँ पर अपने अनुकूल, इसको जो है इसके अनुकूल, अपने अनुकूल यहाँ पर हमारे अनुकूल मौसम है। तो कहने का मतलब क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, उद्दीप्त विभाव कहते हैं। तो देखते हैं उद्दीप्त, तो चलते हैं दोस्तों उद्दीपन विभाव में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उद्दीपन विभाव का मतलब होता है जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर मन में भाव जगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर मन में भाव जगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। केवल आप इतना याद रखिएगा, इन बातों को याद रखिएगा कि वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर जो मन में भाव जगते हैं। अब जैसे अगर बात की जाए वस्तु को देखकर, तो वस्तु का मतलब हो गया दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर जैसे मार्केट में कोई कंपनी नया फ़ोन लॉन्च करती है, उसके फीचर्स अच्छे होते हैं, जो उसका फ्रंट कैमरा होता है, उसका जो इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल जो होता है, उसका जो बैटरी का प्रोग्रेस होता है, कहने का मतलब कि अगर उसके जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स अन्य फ़ोन की अपेक्षा अच्छे होते हैं, ठीक है,
तो उन उसके प्रति आपके मन में भाव जग जाते हैं कि यार इस फ़ोन को लेना चाहिए, इसका बैटरी बैकअप भी सही है, इसका जो कैमरा है, कैमरे का जो फ्लैक्स है या कैमरे की जो पोजीशन कंडीशन है वाकई अन्य फ़ोन की अपेक्षा ठीक है, ठीक है। तो आप उस फ़ोन के फीचर्स देखते हो और उन फ़ोन को आप प्राप्त करने की चेष्टा रखते हो, तो आपके मन में जो भाव जगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम उद्दीपन विभाव। अगर हम बात की जाए कि उद्दीपन विभाव कैसे होते हैं तो आपको मैं बता दूं, आप उद्दीपन विभाव को लिख सकते हैं जैसे रमणीक उद्यान, रमणीक उद्यान, रमणीक उद्यान, ठीक है। उद्यान की अगर बात की जाए, ठीक है, रमणीक उद्यान, उद्यान की बात की जाए, फिर आप इसको कह सकते हैं कोकिल कूजन, कोकिल कूजन, आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं चांदनी, चांदनी रात, ठीक है, चांदनी रात। तो कहने का मतलब इन सब के कारण जो आपके मन में भाव जगते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर जो आपके मन में भाव जगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव ये क्या करते हैं, हमारे मन में भाव जगाते हैं। जैसे रमणीक उद्यान, हम किसी रमणीक उद्यान में जाते हैं तो जो वहाँ की स्थितियाँ होती हैं हमको भा जाती है, वहाँ के वृक्ष जो होते हैं, वहाँ के जो पौधे होते हैं, वहाँ के जो फूल होते हैं, उन सबको देख कर के लगता है कि अरे वाकई इस बगीचे को देखने लायक है, वाकई बहुत अच्छा बगीचा है, आज तक ऐसा बगीचा नहीं देखा था। इन प्रकार के भावनाएं जो मन में जगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। कोकिल कूजन, जब कोयल बोलती है तो कोयल का बोलना बहुत अच्छा लगता है लोगों, लोग उसे बहुत सुनते हैं तो उसे कोकिल कूजन कहते हैं। चांदनी रात, देखिए कुछ लोगों को चांदनी रात अच्छी लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप इसमें एकांत स्थल भी बता सकते हैं, जिन लोगों को एकांत स्थल अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप एकांत स्थल भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक अन्य एग्जांपल दिया फ़ोन का, कोई नया फ़ोन मार्केट में आ रहा है, तो कहने का मतलब जिन वस्तुएं परिस्थितियों को देखकर आपके मन में जो भाव जगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। अब इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कि उद्दीपन विभाव के बाद किन भाव की बात की जाती है, तो उद्दीपन विभाव के बाद बात की जाती है अनुभाव की, अनुभाव की। अब आपको बता दें कि अनुभाव क्या होते हैं, अनुभव क्या होते हैं, अनुभव का मतलब होता है ये क्या करते हैं, ये मनोगत शारीरिक भाव व्यक्त करते हैं, ये क्या करते हैं, अनुभव क्या करते हैं, मनोगत शारीरिक भाव व्यक्त करते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, इनकी संख्या 8 मानी जाती है। और ये मनोगत जो भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्वाद कह सकते हैं, निर्वेद कह सकते हैं, इन प्रकार के भावों को हम क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो अनुभाव होते हैं वो मनोगत भाव को व्यक्त करते हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले भाव जो कहलाते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं, मनोगत भाव। मनोगत भाव की अगर बात की जाए तो मनोगत भाव कौन कौन से होते हैं, जैसे स्वाद होते हैं, अश्रु होते हैं, प्रलय होते हैं, रोमांच होते हैं, स्वाद होते हैं, वर्णांधता होते हैं, तो इस प्रकार के जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। अस्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वर्णांधता, अश्रु और प्रलय। ठीक दोस्तों, आई होप कि आप की आज की क्लास समझ में आई होगी, और कल फिर मिलते हैं इसके आगे का लेकर के। आप इसको अच्छे से समझिएगा, चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे एक बार शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।